सुंदरबन नाम का एक जंगल बहुत ही प्यारा था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। वो हमेशा उस मूर्ति को अपने पास रखती। सभी उससे उस मूर्ति के बारे में पूछते, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। एक बार की बात है, जब टुनटुनी अपने घर पर अकेली बैठी अपनी उस मूर्ति के साथ बातें कर रही होती, तभी कलुआ कौआ वहाँ आता और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम इस मूर्ति से अकेले में क्या बोलती रहती हो? आखिर ऐसा क्या है इस मूर्ति में जिसे तुम किसी को नहीं बताती हो? टुनटुनी कलुए कौए को अपनी कसम देकर कहती है, देखो कलुआ भाई, मैं तुम्हें आज इसका राज बताती हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसके अंदर एक कीमती चीज है जिसे मैंने इसमें छुपा कर रखा है। क्या है वो कीमती चीज? ये नहीं बता सकती, मुझसे इस बारे में ना पूछो तो अच्छा है। ये कहकर टुनटुनी अपनी मूर्ति को लेकर चली जाती है, लेकिन कलुए कौए को उस कीमती चीज का लालच हो जाता है। वो इस बारे में काली चील को जाकर बताता है। काली चील, टुनटुनी के पास एक मूर्ति है जिसमें उसने कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बता रही। क्या कह रहा है कलुआ? ऐसा क्या खास है उस मूर्ति में जिसे वो अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करती है? कलुआ कौआ उसे सारी बात बताता है। वो दोनों उस मूर्ति को पाने के लिए योजना बनाते हैं और टुनटुनी को नदी के पास बुलाने की एक चाल चलते हैं। टुनटुनी, तुमने आज सुना है क्या? अपनी जंगल वाली नदी में बहुत सारी सुनहरी मछली आ गई, जिसे देखने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। तुम चलोगी क्या? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। टुनटुनी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वो मूर्ति के साथ नदी के पास पहुँच जाती है। अरे कलुआ, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो सुनहरी मछली? मुझे ऐसी मछली बहुत पसंद है। कहाँ पर होगी मछलियाँ? कलुआ चुपचाप खड़ा रहता है। तभी काली चील पेड़ के पीछे से निकल कर आती है और कहती है, सुनहरी मछली का तो पता नहीं, पर काली चील की कोई डिमांड हो तो बंदा हाजिर है। काली चील को देखकर टुनटुनी घबरा जाती है और अपनी मूर्ति को पीछे छुपा लेती है और उससे कहती है, काली चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे यहाँ धोखे से लाने का क्या मतलब है आप दोनों का? मतलब तो बहुत सीधा है टुनटुनी, वो मूर्ति हमें दे दो और यहाँ से चली जाओ। ये सब तेरी चाल थी कमीने, मैं तुझ पे इतना भरोसा करके अपनी मूर्ति को यहाँ लेकर आई और मैंने तुझे अपनी मूर्ति के बारे में भी सच्चाई बताई थी। तो फिर ठीक है मैडम जी, हम आपके मरने के बाद ले लेंगे। और अचानक कलुआ कौआ पीछे से टुनटुनी को चाकू घोंप देता है। टुनटुनी जमीन पर गिर जाती है और तड़पते हुए कहती है, तुम दोनों ने मुझे धोखे से मारा है, लेकिन ये ना सोचना कि तुम बच जाओगे। मैं फिर आऊंगी तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आऊंगी जरूर। ये सब कहकर टुनटुनी तड़प तड़प कर मर जाती है। कलुआ टुनटुनी की लाश को नदी में फेंक देता है और वो दोनों मूर्ति को लेकर चले जाते हैं। काली चील और कलुआ कौआ उस मूर्ति को खोलने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो मूर्ति नहीं खुलती है। अंत में काली चील थक कर कहती है, क्यों रे कलुआ, तूने अपनी निजी दुश्मनी के लिए टुनटुनी को तो नहीं मार डाला? इस मूर्ति में कुछ मिलना तो दूर की बात है, ये तो खुल भी नहीं रही है। नहीं नहीं काली भाई, उसने कोई कीमती चीज की बात कही थी, पर पता नहीं क्यों मिल नहीं रही इसमें। ये कहकर दोनों थक जाते हैं और वो मूर्ति टेबल पर रख कर सो जाते हैं। तभी अचानक रात में काली चील और कलुआ सो रहे होते हैं, तभी उसके ऊपर वो मूर्ति आकर गिरती है। काली चील अचानक उठ जाती है और कलुए कौए को एक कस के चमाट लगाती है। क्यों रे कलुए, तू ये मूर्ति फेंक कर मुझे डरा रहा है? कमीने, अब की बार ऐसा किया ना तो तुझे भी टुनटुनी के पास पहुँचा दूंगी। दोनों फिर से सोने लगते हैं, तभी एकदम से डरावनी आवाज आती है। कमीने कलुए, मुझे मार कर तू यहाँ आराम से सो रहा है, हा 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 हा। कौन है जो मुझे डरा रहा है? सामने आओ मेरे, नहीं तो मैं चाकू घोंप दूंगा तेरे अंदर। तभी अचानक टुनटुनी की आत्मा खून से सनी हुई आंखें लाल होकर उसके सामने आती है। अरे टुनटुनी, हमने तो तुम्हें मार डाला था, तुम यहाँ हमारे सामने क्या कर रही हो?
मैंने कहा था ना कि मैं अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगी, और तूने तो मुझे धोखे से मार कर मेरी मूर्ति मुझसे छीनी थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कलुआ। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, ये खेल तो काली चील ने रचाया था, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारी मूर्ति, मैं तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे बख्श दो टुनटुनी। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ये सुनकर कलुआ कौआ जाने लगता है, तभी टुनटुनी पीछे से अपने बड़े बड़े नाखून कलुए कौए के अंदर घोंप देती है। इतनी जल्दी भी क्या है रे तुझे, तूने ही मेरे पीछे से चाकू मारा था, अब ये ले, मैंने भी पीछे से वार कर दिया, हिसाब बराबर। ये कहकर टुनटुनी अपने नाखूनों से कलुए के दो टुकड़े कर देती है। ये देखकर काली चील उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था, और इसे कलुआ के बहकावे में आकर मैंने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, मुझे माफ कर दो टुनटुनी। तूने अपने ये लालच में आकर मेरी जान ले ली, बिना ये जाने उस मूर्ति में आखिर क्या है, तो सुन मैं बताती हूँ उसमें क्या है। उस मूर्ति में मेरी मरी हुई माँ की एक आखिरी तस्वीर और उसकी यादें बंद थी, इसी की बात मैंने कलुए से कही थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे मुझे मार डाला, इसलिए मैं अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। कैसे माफ़ कर दूँ तुझे, तूने तो मेरी हस्ती खेलती जिंदगी तबाह कर दी, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरी भी जीने की इच्छा थी, लेकिन नहीं, तूने सब तबाह कर दिया। ये कहकर टुनटुनी अपनी चोंच से काली चील की गर्दन पकड़ लेती है और उसका सारा खून पी जाती है, उससे उसकी मौत हो जाती है, और अंत में कहती है, मेरा बदला आज पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक हमें पूरा ज्ञान ना हो जाए उस बात का, तब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में हमें पछताना पड़े।